तो गाइस यार आज सुबह सुबह खबर आई है कैमरामैन मर चुका है, किसने मारा कैसे मारा किसी को नहीं पता। तो आज डिटेक्टिव फ्रैंकलिन और डिटेक्टिव चिंगम पता करने वाले किसने मारा हमारे प्यारे से कैमरामैन को। क्या वो उसके भी टॉयलेट था, क्या वो हल्क था, या फिर कोई एवेंजर्स में से था, वो तो पता चल ही जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देखोगे। तो फटाफट से शुरू करते। अरे यार कौन से कपड़े पहनू समझ नहीं आ रहा, ये वाले पहनू या फिर ये वाले, या फिर ये वाले कौन से पहनू बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे विक्की मैं आपकी शादी है क्या, आपको कपड़े को डिसाइड कर रहे हो? अबे मेरी शादी नहीं है, मुझे आयरन मैन ने बुलाया उससे घर पे, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं। अरे विक्की मैं आयरन मैन भैया की शादी है क्या? अरे आयरन मैन की भी शादी नहीं है, आज हल्का बर्थडे इसलिए हमें जा रहे हैं। एक काम करते ये वाला सूट पहनते हैं, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। अरे विक्की मैं इस सूट में ना वैसे लग रहे हो किसी मेंढक ने सूट पहन रखा हो। मेंढक ने सूट? अबे शिनचैन फालतू मत बोल। तो गाइस चिंगम भी आ चुका शिनचैन बिल्कुल तैयार है चलने के लिए आयरन मैन के घर पे। माय नेम इज इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। चलो चलो फटाफट से चलते हैं आयरन मैन के घर पे, आज है हल्का बर्थडे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस सर अभी फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं इंस्पेक्टर चिंगम और शिनचैन के साथ, फिर अपन चलेंगे आयरन मैन के घर पे। शिनचैन आगे वाली सीट पे बैठ गए। इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, मुझे आगे बैठना है। अरे मैं आगे बैठूंगा? नहीं मैं बैठूंगा। अरे दोनों लड़ो मत, अरे इंस्पेक्टर साहब आप पीछे बैठ जाओ ना। शिनचैन इस बार तो तुम आगे बैठ गए, पर अगली बार मैं बैठूंगा। ओके ओके आते वक्त आप बैठ जाना। चलो गाइस यार फटाफट से भी ये दोनों बैठ चुके हैं और दोनों ने लड़ाई भी करना बंद कर दिए। फटाफट से थे आयरन मैन के घर पे और हल्का बर्थडे मनाते हैं, और हल्का बर्थडे तो उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना पड़ेगा। एक काम करते उसके लिए बीच में रास्ते में एक गिफ्ट भी लेते हुए चलेंगे। 15 बर्गर पैक कर दो। ओके भैया अभी कर देता हूँ। तो गाइस हम ले रहे हल्के लिए 15 बर्गर, हल्के यार बर्गर खाके तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और उसका बर्थडे का गिफ्ट भी हो जाएगा। ये लो भैया 150 रुपए हुए। हाँ ये लो 150 रुपए। तो गाइस अभी हमको बर्गर मिल चुके, फटाफट से चलते एवेंजर्स हाउस पे, आपको मिलेंगे हल्की बर्थडे पार्टी में, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, फुल डांस करेंगे और बहुत सारा मजा करेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके आयरन मैन के घर पे, फटाफट से चलते, बर्थडे पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब थोड़ा सा लेट हो चुके पर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जाएंगे, मस्त मस्त डांस करेंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, फिर हल्क का बर्थडे केक भी तो कटवाना है। गाइस फटाफट से कमेंट में हल्क को हैप्पी बर्थडे जरूर लिख देना, हम बस घर पे पहुंचने ही वाले हैं। और लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे गाड़ियां मुझे दिख रही है, बहुत सारी चार चार गाड़ियां मुझे दिख रही है। फटाफट से इंस्पेक्टर चिंगम और शिनचैन आ जाओ अंदर पार्टी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ रखे, हेलो कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन आओ आओ नाचो नाचो हल्क का बर्थडे। अरे हम नाच नहीं तो आए, नाचो नाचो नाच शिनचैन, इंस्पेक्टर चिंगम नाचो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू फ्रैंकलिन, अब मैं तभी खास नहीं। तो गाइस कितना ज्यादा मजा आ रहा है, सभी लोग यहाँ पे आ चुके, और यहाँ पे देख दो कैमरा मैन आ रखा है, स्पाइडरमैन उसकी गर्लफ्रेंड, हल्क बंसर उसका बेटा, और ये दोनों पति पत्नी है। हम पति पत्नी नहीं है। और हल्क और उसका बेटा, कितना ज्यादा मजा आ रहा है इस पार्टी में, नाचो नाचो। अरे यार तुम सब नाचो, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, थोड़ा सांस लेके आता हूँ। ये लोग तो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, इतनी देर से डांस करे जा रहे फिर भी थक नहीं रहे, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। अरे यार टाइम भी हो रहा है, लगता है मुझे मेरे घर चले जाना चाहिए, पार्टी में तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, चलो फटाफट से अपने घर पे चलते हैं, ये पार्टी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। नाचो नाचो भाई, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। एक सेकंड, वो कैमरामैन कहाँ चला गया शिनचैन? अरे विक्की मैं मुझे लगता है बाहर सुसु करने गए होंगे। अच्छा सुसु करने गए, कोई बात नहीं, नाचो नाचो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू हल्क, हैप्पी बर्थडे टू यू हल्क। आज की पार्टी तो बहुत ही ज्यादा मजेदार थी, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, बचाओ, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई तो बचाओ। आ, 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 अरे मुझे कोई तो बचाओ, ये क्या हो गया। उसके बाद कैमरामैन जल जल के मर गया, उसको कोई नहीं बचा पाया। फिर ये बात पता लगी एवेंजर्स को। हैप्पी बर्थडे हल्क, हैप्पी बर्थडे हल्क। एक सेकंड रुको, मुझे फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? एक तो यार अंदर आवाज भी नहीं आएगी तो मुझे बाहर जाके बात करनी पड़ेगी। हाँ हेलो, कौन, क्या, कब, अभी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, आ रहा हूँ, मैं सबको लेके आ रहा हूँ। अरे एवेंजर्स मेरी बात सुनो, अरे गाना बंद करो, हल्क भाषा गाना बंद कर। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन? क्या हो गया, गाने क्यों बंद करा दिया? अरे विक्की में इतने तो मजे आ रहे थे, क्या हो गया? अरे मेरी बात सुनो, कैमरामैन का एक्सीडेंट हो चुका है। क्या, कब,
कैसे? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, और वो मर चुका है। मुझे अभी अभी न्यूज आई है, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। जल्दी चलो, कहाँ पे मरा है वो? आ जाओ जाओ, फटाफट से चलते। तो गाइस अभी मुझे फोन आया था कि कैमरामैन का एक्सीडेंट हो चुका है और वो वहीं पर मर चुका है। उसकी गाड़ी पूरी जल के राख हो गई है, ब्लास्ट हो गई है। हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, कैमरामैन को देखना पड़ेगा वो कैसे मरा है। जल्दी एवेंजर सबके सब पीछे जाओ। फ्रैंकलिन तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। एनीवे कि मैं भी अरुण के साथ। हां शिनचैन तू भी आ जाना। चलो गाइस हमें फटाफट से कैमरामैन के पास जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम यहां पे आ चुके हैं जहां पे कैमरामैन का एक्सीडेंट हुआ था, और यहां पे देख सकते हो हमारा कैमरामैन मर चुका है और ये उसकी गाड़ी। ये कैसे हुआ तुम्हें पता चला क्या? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अभी तो हमारे साथ मस्त पार्टी में घूम रहा था, पर एकदम से उसका एक्सीडेंट हो चुका है। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। इधर आओ फ्रैंकलिन। क्या हो गया इंस्पेक्टर चिंगम? ये देखो इसकी गाड़ी पे गोलियों के निशान है, किसी ने गोलियों से हमला किया इसके टायर पर, फिर टायर ब्लास्ट हुआ, फिर गाड़ी पलट गई। क्या टायर? हाँ यहाँ पे एक सेकंड, गोलियों के निशान तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये टायर ब्लास्ट हुआ होगा तब ये गाड़ी कहीं ना कहीं से गिरी होगी। पर ये गोली चलाई कहाँ से होगी और किसने चलाई होगी? फ्रैंकलिन हमें पता करना पड़ेगा किसने मारा हमारे प्यारे से कैमरामैन को। एनीवे कीवे हमें पता तो करना पड़ेगा। पता तो करना पड़ेगा, पर पता कैसे चलेगा? इन्हीं किसी बिल्डिंग से या किसी ने इनको गोली मारी होगी, कैसे पता चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फ्रैंकलिन तुम्हें पता करना पड़ेगा कैसे भी करके। क्या मैं कैसे पता करूंगा? तुम इंस्पेक्टर चिंगम और शिनचैन जाओ और कैसे भी करके पता करो किसने मारा है कैमरामैन को, और जब तक मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाता हूँ वो तुम्हें पास्ट में भेजेगा और फिर तुम पता कर सकते हो किसने मारा इसको। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से डॉक्टर स्ट्रेंज का पता करो, मैं जब तक इसका पता करता हूँ किसने मारा है हमारे प्यारे से कैमरामैन को। मुझे देखना पड़ेगा ये गोलियां कौन से गन से निकली हुई है, फिर हमें पता करना पड़ेगा कि वो गन कौन बेचता है। इंस्पेक्टर चिंगम तुम्हें क्या लगता है ये गन की गोलियां कौन से गन की है? चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, ये स्नाइपर A62 की बुलेट से। मुझे बताइए कौन बेचता है? क्या तुम्हें पता है? चलो फटाफट से वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस अभी इंस्पेक्टर चिंगम और मैं जानने वाले, हम पता करने वाले स्नाइपर A62 किसने ली थी और किसने मारा हमारे कैमरामैन को, हमें पता चल सकते हैं। हम पहले जाना पड़ेगा वेपन शॉप। बोले भैया क्या हो गया? मुझे पता करना है कि स्नाइपर A62 किसने खरीदी थी। हम तुम्हें क्या बताया, तुम क्या पुलिस वाले हो? माय नेम इज इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बताओ स्नाइपर A62 किसने ली थी? ओके सर अभी बताता हूँ, हमने लास्ट ही गन बेची थी कल शाम को। क्या कल शाम को? आज दिन में मर्डर हुआ है, मतलब ये हो सकता है। किसने खरीदी थी? सर हम ऐसे किसी का नाम तो नहीं बता सकते। माय नेम इज इंस्पेक्टर चिंगम। सर जिस सर ने स्नाइपर को खरीदा था उसका नाम है एसटी। एसटी? एसटी के आगे क्या? नहीं सर सिर्फ एसटी। एसटी सिर्फ एसटी? अरे एसटी नाम कैसे हो सकता है? सर उसका नाम यही था एसटी। मुझे लगता है किसी नाम की शॉर्ट फॉर्म होगी। एसटी नाम से तो कुछ समझ नहीं आएगा, हमें और कुछ जानकारी चाहिए होगी। और कुछ जानकारी तो चाहिए होगी, पर वो कहाँ से मिलेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो कैसे हमें नाम तो पता चल चुका है एसटी, पर वो एसटी नाम क्या होता है? ये तो कुछ शॉर्ट फॉर्म है, हमें उसका पूरा नाम पता करना पड़ेगा, वो डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बता सकता है। तो कैसे अभी हम आ चुके हैं एवेंजर्स हाउस वापस, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ चुका है और हमारा कैमरामैन की बॉडी भी यहाँ पे आ चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैं सब कर सकता हूँ। तो हमको बताओ कि किसने मारा है इसको? बुढ़ी बाबा बस वही नहीं कर सकता हूँ। अरे तो फिर क्या कर सकते हो? बुढ़ी बाबा मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसके शरीर में से इसके आत्मा को निकाल देता हूँ, फिर इसके आत्मा से पूछ लेंगे किसने मारा है इसको। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है करो करो। बुढ़ी बाबा अभी करता हूँ, ओम प्रेम कोल्ड क्रीम, इसकी आत्मा बाहर आजा आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा। बुढ़ी बाबा ये तो आ गया। क्या कैमरामैन तुम कैसे हो? फिलहाल तो मैं मर चुका हूँ, किसने मारा मुझे? अरे इसलिए तो हमने तुम्हें बुलाया था, तुमको भी नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता, बस एक गोली चली थी, उसके बाद मेरी गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और मैं मर गया। अरे कैसर ये कैसे हो सकता है, कैमरामैन को भी नहीं पता यार किसने उसको मारा है, अब क्या करेंगे? कैमरामैन तुम्हारा कोई दुश्मन था क्या एसटी नाम से? एसटी नाम से? एसटी नाम से तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। क्या तुम्हारा दुश्मन ही नहीं है, अब क्या करेंगे? बुढ़िया बाबा फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, इसके पास बहुत कम टाइम बचा है, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसके दुश्मन को पकड़ के लाओ, इसके बदले उसको भेज दूंगा। क्या इसके बदले उसको भेज दोगे? तुम्हें जल्दी जल्दी पता करना पड़ेगा किसने मारा है इसको। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज तुम एक काम करो, मुझे टाइम में पीछे भेज दो ताकि मैं पता कर पाऊँ किसने मारा इसको। बुढ़िया बाबा ठीक है मैं ये कर देता हूँ, तुम जाने वाले हो टाइम में पीछे, ओम रेम कोल्ड क्रीम। अबे ये कहाँ गया मैं, कौन से खंबे के ऊपर चढ़ा
दिया। एक सेकेंड, ये तो वही रोड है जहाँ पे कैमरा मैन का एक्सीडेंट हुआ था। यहीं पे कहीं पे मुझे दिखने वाला है, पर किसी बिल्डिंग के ऊपर देखना पड़ेगा कहाँ पे किसने उसको गोली मारी थी। यहाँ पे कोई छोटी बिल्डिंग तो नहीं है, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक सामने बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि सामने से इसको मारा है। रुको, मुझे उधर ऊपर जाना पड़ेगा। तो काइजर, अभी बिल्डिंग के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और काइजर आप सामने देख सकते हो मुझे कुछ तो झुक चुका है, और उसके पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी स्नाइपर भी है। ये पक्का वही वाली गन होगी, और ये तो एक स्किबरी टॉयलेट है। और उस यार वेपन शॉप वाले ने हमें नाम बताया था ST, मतलब S से स्किबरी और T से टॉयलेट। इसी स्किबरी टॉयलेट ने मारा होगा हमारे प्यारा से कैमरा मैन को, और उसकी गाड़ी भी अभी आती होगी। इसको पहले से पता है वो इधर से आने वाला है। आज तो उस कैमरा मैन की मैं छुट्टी कर दूंगा, आज तो उसको खत्म कर दूंगा। और एक काइजर, ये तो बातें कर रहा है हमारे कैमरा मैन को मारने की, तो काइजर मुझे इसको मारना पड़ेगा उससे पहले कि हमारे कैमरा मैन को मारे। पैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, स्किबरी टॉयलेट तू नहीं बचेगा। एक बार पीछे तो देख लो। पीछे पीछे के इतने सारे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तो बहुत सारे स्किबरी टॉयलेट है, हट जाओ, सबको गोली मार दूंगा। ये लो, हट जाओ, सबको मार दूंगा। इतने सारे स्किबरी टॉयलेट तुम कहां से आ गए? अरे काइजर, इन्होंने तो मेरे लिए भी प्लानिंग कर रखी थी पहले से ही। मैं तो एक स्किबरी टॉयलेट को मारने आया था, पर यहां पे इतने सारे मिल गए। पर कोई बात नहीं, लगता है हमने इन सबको मार दिया है, और लगता है अब कैमरा मैन भी बिल्कुल सेफ हो जाएगा। अरे यार, आज की पार्टी में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, अब सीधा घर पे जाके सो जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो काइजर, हमारा कैमरामैन यहाँ से रोड से जा चुका है अपने घर पे, और वो बिल्कुल सेफ भी है, क्योंकि सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को मैंने पहले से ही मार दिया था। फटाफट से अपन वापस से फ्यूचर में चलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे बुला लेना। अरे मुझे बचाओ, कहाँ फेंक दिया? अरे लगता है मैं घर पे आ गया। अरे सुनो सुनो, मैंने उसको मार दिया। अरे बाबा, हमने देख लिया तुमने क्या किया। मैं जादू करके हमारे कैमरामैन को वापस से जिंदा करने वाला हूँ। क्या, जल्दी जल्दी जिंदा करो, हमारा कैमरामैन वापस से जिंदा होने वाला है, क्योंकि हमने उसके कातिल को मार दिया जिसने धोखा करके इसको मारा था एक्सीडेंट में। अभी हमारा कैमरामैन वापस से जिंदा होने वाला है। अरे फ्रैंकलिन, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। मैंने तो सोचा था मैं मारी जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं कैमरामैन, तुम हमारे भाई हो और हमने तुमको बचा लिया है। तो काइजर, कैमरामैन हो चुका है वापस से जिंदा, उस स्किबरी टॉयलेट को हमने मार दिया है। क्या, स्किबरी टॉयलेट ने मुझे मारा था? हाँ, स्किबरी टॉयलेट ने, वो भी इतनी बड़ी स्नाइपर से। मैंने 4-5 स्किबरी टॉयलेट्स को मार के आया हूं। फ्रैंकलिन, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, अब मैं स्किबरी टॉयलेट की फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि आज हमारे हल्का बर्थडे और पार्टी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो काइजर, सभी के सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हम फोड़ने वाले यहाँ पे मस्त से पटाखे। देखो भाई कितना ज्यादा खतरनाक है ये। तो काइजर, फटाफट से कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे हल, ये आज है हल्का बर्थडे और हम कर रहे हैं मस्ती पार्टी। तो काइजर, आज की बर्थडे बिताई, अगर आपको आज मुझे लाइक कर देना चाहे मुझे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और काइजर, इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जाना, फॉलो करना। और काइजर, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।